जनपद मुजफ्फरनगर के कचेरी प्रांगण में आज ब्राह्मण महासभा द्वारा राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 से हो रही ब्राह्मणों की हत्याओं का सिलसिला चला आ रहा है। वर्ष 2017 में जनता के भारी मत और समर्थन में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ हुई। उन्होंने शपथ लेते ही समानता के आधार पर प्रदेश में कार्य करने की घोषणा की, जिसका अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा उत्तर प्रदेश ने सहज स्वागत किया है। जी, क्या नाम भैया? अंकित शर्मा। क्या मामला है जो ज्ञापन दे रहे हैं? ज्ञापन देने का मामला, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की दिन प्रतिदिन तमाम हत्याएं हो रही हैं, जिसमें पत्रकार बंधु भी हैं, समाजसेवी भी हैं, पुजारी भी हैं, सभी लोग हैं, समाज के गणमान्य लोग भी हैं। क्या कोई बड़ी घटना ब्राह्मणों की जिसमें? बड़ी घटनाएं है, बहुत हैं, जैसे कि पत्रकार विजय जोशी जी का मर्डर है, गाजियाबाद में है। अभी इलाहाबाद में एक दंपत्ति पूरा परिवार रात को सोया हुआ था, सुबह के टाइम सभी का वो हुआ। देखो, जितना परिवार ये लोगों की हत्याएं हुई हैं, ये सभी लोग समाज के लोग थे, सम्मानित लोग हैं। इसमें क्यों ऐसा हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश में ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश का कुछ ना कुछ ये हिस्सा है। हमारे जिलाध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा से श्री भानु शर्मा जी, हम ही सभी लोग इस चीज़ से बड़े चिंतित हैं। प्रदीप शर्मा जी, मास्टर शिवराम शर्मा जी, विनेश शर्मा जी, सभी लोग, हम लोग ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बात, इस बात पे ध्यान दें, क्योंकि देखो दिन प्रतिदिन प्रत्येक जनपद में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। और हम आपसे निवेदन करते हैं, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, श्री योगी आदित्यनाथ जी से, इस बात पर जल्द से जल्द ध्यान दें, अन्यथा ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरेगा, उग्र आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होंगे, चाहे उसमें हम किसी भी स्थिति तक हमें जाना पड़े। देखो, हमने भी वोट दी है पार्टी को, ठीक है, नहीं सरकार से उम्मीद होती है, राजा जब होता है तो उसके लिए प्रजा सब समान होती है। ब्राह्मणों पर ऐसे स्पेशल वार क्यों हो रहे हैं? जी बिल्कुल, इन्हीं मांगों। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन